हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पार्ट टू ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इस पार्ट टू के अंदर हम देखेंगे चैप्टर वन, जो कि जिसके अंदर हम सेक्शन फाइव देखेंगे। सेक्शन फाइव जो है वो किस बारे में बात करता है, वो बात करता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ पे हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करनी होगी तो हमारा सेक्शन 5 जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन एंटाइटल्ड है, किस चीज के लिए एंटाइटल्ड है, फॉर द पोजिशन, कि कोई भी पर्सन अगर एंटाइटल्ड है फॉर द पोजिशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है। कि अगर कोई भी पर्सन एंटाइटल्ड है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजिशन के लिए, तो वो उसका जो पोजीशन है उसको रिकवर कर सकता है उस पर्सन से जिस पर्सन ने उसका पोजीशन जो है वो रॉन्ग वे के अंदर ले रखा है, और इस पोजीशन को रिकवर करने के लिए उसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करके वो अपनी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है वो रिकवर कर सकता है। अब यहां पर जो एंटाइटल्ड पर्सन है, इसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो एलिजिड ट्रेसपासर था, जिस ट्रेसपासर ने उस प्रॉपर्टी का इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है रॉन्ग वे में लिया था, उससे पहले उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है वो उस एंटाइटल्ड पर्सन के पास था। अगर वो ये प्रूफ करता है कि उसका पोजीशन एंटाइटल्ड पर्सन के पास था, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है उस एंटाइटल्ड पर्सन के पास था उस एलिजिड ट्रेसपासर से पहले, तभी वो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है बाय फॉलोइंग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, अदरवाइज वो उसको रिकवर नहीं कर सकता। यहां पे हम देखते हैं लॉन्ग एंड कंटिन्यूस पोजीशन। अगर किसी पर्सन के पास लॉन्ग एंड कंटिन्यूस पोजीशन है किसी प्रॉपर्टी का, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास उसका एडवर्स पोजीशन आ जाएगा। एडवर्स पोजीशन का मतलब ये होता है कि अनइंटरप्टेड फैक्ट वॉज नोन टू द रियल ओनर ऑफ एडवर्स पोजीशन, की उस एडवर्स पोजीशन की नॉलेज होती है वो रियल ओनर को थी और उसने कोई इंटरप्शन नहीं करी उसकी पोजीशन के अंदर, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो जो जिस पर्सन ने उसका पोजीशन लिया हुआ वो उस पर्सन के पास चली जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे हम सिर्फ इतना कहें कि लॉन्ग एंड कंटिन्यूस पोजीशन था और उस ओनर ने उसका इंटरप्शन नहीं करी और उसकी नॉलेज नहीं थी उस रियल ओनर के पास, तो उसके पास एडवर्स पोजीशन चला जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 5 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जब भी हम कोर्ट के अंदर अपनी क्लेम फाइल करते हैं तब हमें उसके नीचे अपनी प्रेयर देना जरूरी है कि हमें कोर्ट से रिलीफ किया चाहिए। हमें बताना होगा कि हमें सेक्शन 5 के अंडर रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए। अगर हम ये मेंशन नहीं करेंगे कि हमें क्या रिकवरी चाहिए, हमें क्या कोर्ट से रिलीफ चाहिए, तो कोर्ट हमें वो रिलीफ नहीं दे पाएगा। तो हमें ये अपनी प्रेयर अपनी प्लीडिंग के अंदर नीचे मेंशन करना जरूरी है कि हमें कोर्ट से रिलीफ क्या चाहिए। तो ये हमारा सेक्शन 5 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट।